नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। फिलहाल घड़ी में बजे हैं सुबह के 7 19 अगस्त 2022। मांडवा सेई नदी सुबह 7 बजे की झलक आप देख सकते हैं वीडियो में। पानी की बहाव गति कितनी तेज़ रफ्तार से चल रही है और ये सुबह 7 बजे की झलक है। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो उस किनारे से इस तरफ आते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। हालांकि जूम करने से वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको क्लियर दिख जाएगा। आप देख सकते हैं बहाव गति बहुत ही तेज है। आपके आसपास भी अगर ऐसी पानी की स्थिति है, आपके सड़क पुले पर ऐसा पानी चल रहा है, आप चाहते हैं कि वीडियो चैनल के जरिए बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, ताकि अगर आपके और कोई आने वाला व्यक्ति है वो न आए, तो आप ज़रूर आपके वहाँ का वीडियो हमें भेज सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं 9079927430 पर। और आप देख सकते हैं फिलहाल 7 बजे की झलक, जिसमें इतनी तेज गति के साथ पानी जो है वो बह रहा है, आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये फिलहाल अभी का ही वीडियो है, जिसमें मैंने देखा कि पानी जो है वो अभी बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। और रात को भी पानी की यही गति थी और पानी इतना ही था, रात को बड़ा ऐसा भी लग रहा है अभी जब मैंने देखा तो। और पानी जो है वो अभी बढ़ रहा है, तो कृपया जो भी व्यक्ति इस नदी के इस पार या उस पार आना जाना चाहते हैं, वो इस रास्ते से तो नहीं जा सकते हैं, आप दूसरे रूट से जाइए। और देखिए कि किस तरीके से इस व्यक्ति ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा है। पानी जो है वो बहा के लेके जा सकता है, इसीलिए आपसे ये निवेदन है कि आप ज़्यादा पानी किसी सड़क या पुले पर है तो ना उतरे, क्योंकि आपका परिवार और आपकी खुद की जान अगर चली जाती है तो क्या होगा फिर। और आप देख सकते हैं पानी बहुत ही तेज़ गति के साथ बह रहा है, और इस व्यक्ति को देखते हुए भी आप देख सकते हैं कि पानी जो है घुटनों से भी ऊपर है, फिर भी ये व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर आ रहा है। आपसे निवेदन है कि आप इस तरह के पानी में ना उतरे, अपनी जान जोखिम में न डालें, अपने लिए और परिवार के लिए जिए। तो आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटडा टाइम्स में। ऐसी अपडेट आपके आसपास की हमें देने के लिए हमारे नंबर स्क्रीन पर है, आप हमें भेज सकते हैं। और फिर मिलूँगा ऐसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।